दोस्तों, एक बार एक लड़का बहुत सी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं जीतने के बाद खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वह जहां भी जाता, लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक प्रसिद्ध जैन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया और सुबह सुबह पहाड़ों के बीच स्थित उनके मठ जा पहुंचा और लड़के ने कहा, मास्टर, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं। मास्टर ने लड़के की चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। लड़के ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। लड़का अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हां तो करके दिखाइए, यदि नहीं तो हार मान लीजिए। जैन मास्टर बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। मास्टर चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। लड़का यह सब देख कुछ घबराया और बोला, मास्टर, ये आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? जैन मास्टर बोले, घबराओ मत पुत्र, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, बस अब हमें इस झरझर पुल के बीचों बीच जाना है। लड़के ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और मास्टर उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। मास्टर पुल के बीचों बीच पहुंचे और अपनी कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद मास्टर बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। लड़का डरते डरते आगे बढ़ा और बेहद कठिनाई के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और किसी तरह कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना लक्ष्य के आसपास भी नहीं लगा। लड़का निराश हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब मास्टर बोले, पुत्र, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। लड़का मास्टर की बात समझ चुका था। उसे एहसास हो गया कि उसका धनुर्विद्या का ज्ञान बस अनुकूल परिस्थितियों में कारगर है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तत्काल ही अपने अहंकार के लिए मास्टर से क्षमा मांगी और सदा एक शिष्य की तरह सीखने और अपने ज्ञान पर घमंड न करने की सौगंध ली। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है जिसमें दूसरा व्यक्ति शून्य भी हो सकता है, इसीलिए सभी का सम्मान आदर करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।